नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री रहते अमेरिका के साथ भारत एक और नई सीढ़ी चढ़ गया, रिश्तों में प्रगाढ़ता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया है। लोगों को अमेरिका और भारत की एक और दोस्ती की मिसाल पेश करने का मौका मिल गया है, क्योंकि संयुक्त मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि नासा, जिस निसार सैटेलाइट को पिछले काफी वक्त से मिलकर बना रहे थे, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नासा ने इसरो को ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए पहले से सचेत कर देने वाली निसार सैटेलाइट सौंप दी है। इसे इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने खुद जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में जाकर रिसीव किया है और अब इसे जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। ये निसार सैटेलाइट कुछ इस तरह से काम करेगी कि जोशी मठ जैसी घटनाओं के होने से पहले ही अलर्ट कर देगी। इतना ही नहीं, निसार एक वो शक्तिशाली सैटेलाइट है जिससे पूरी दुनिया पर नजर रखी जाएगी। बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी समेत कई आपदाओं के बारे में ये बताएगी। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी समय समय पर देती रहेगी। ये निसार सैटेलाइट ऐसी है जिसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन है। इसमें दो तरह की रडार प्रणालियां लगाई गई हैं। निसार में दो रडार प्रणालियां। निसार सैटेलाइट में दो तरह के बैंड एल और एस होंगे। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे और साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर को भी स्टडी करेंगे। एस बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है और एल बैंड ट्रांसपोंडर को नासा ने। साल 2021 की शुरुआत से JPL के इंजीनियर और टेक्नीशियन निसार की दोनों प्रणालियों के इंटीग्रेशन और टेस्ट पर काम कर रहे थे। JPL ने एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया। ये जंगल के अंदर की सतह को देखने की क्षमता रखता है। एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इसरो का है। इसमें 700 किलोमीटर ऊंचाई के किसी खेत में लगी फसल को भी पहचानने की क्षमता है। ये रडार पृथ्वी पर माइक्रोवेव फेंकेंगे, जब ये लौटेंगे तो एक एंटीना इन्हें ग्रहण करेगा। निसार में इसके लिए ड्रम की तरह दिखने वाला 40 फुट व्यास का एक रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है। पृथ्वी की सतह के पर्यवेक्षण के लिए निसार सिंगल प्रोसेसिंग तकनीक इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करेगा। ये उपग्रह 3 साल तक डेटा जनरेट करेगा। इसे GSLV MK2 रॉकेट की मदद से छोड़ा जाएगा, लेकिन इस साल नहीं, शायद अगले साल। अगले साल निसार सैटेलाइट को किया जाएगा प्रक्षेपित। विशेष कार्गो में निसार को फरवरी 2023 के आखिर तक 14,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर बेंगलुरु स्थित UR राव उपग्रह केंद्र लाया जाएगा। इसे रॉकेट में स्थापित कर अगले साल आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। अब निसार की खासियत को भी विस्तार से जान लेते हैं। क्या है निसार सैटेलाइट की खासियत? निसार पृथ्वी को व्यवस्थित ढंग से नक्शाबद्ध करेगा। दो अलग अलग रडार जमीन, पानी, जंगल, कृषि, हिम पर नजर रखेंगे। हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। इन्हें 5 GB प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती पर भेजेगा। इनसे प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर से चक्रवातों के खतरे समय रहते पहचानने में मदद मिलेगी। समुद्र स्तर कितना और किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस द्वीप और देश को खतरा है, ये पता चलेगा। हिम आच्छादित क्षेत्रों में आए बदलाव पर भी हर समय नजर रखी जा सकेगी। सोचिए, विज्ञान की दुनिया में हम कितना आगे आ गए हैं। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका से भी संबंधों में लगातार घनिष्ठता ला रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, अब हम निसार के लिए कल्पना की गई विशाल वैज्ञानिक क्षमता को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब आ गए हैं। निसार मिशन बायोमास, प्राकृतिक खतरों, समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को बदलते पारिस्थितिक तंत्र, गतिशील स्तरों और बर्फ के द्रव्यमान को मापेगा। इसके अलावा और भी कई तरह की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। वहीं JPL के निदेशक लॉरी लेशन ने इस बारे में कहा, पृथ्वी ग्रह और हमारी बदलती जलवायु को बेहतर ढंग से समझने की हमारी साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसरो के साथ हमारा सहयोग इस बात का उदाहरण है कि हम किस तरह से एक साथ जटिल चुनौतियों से निपटते हैं। अमेरिका और भारत जटिल चुनौतियों से निपटे और देखिए दुनिया के सामने रख दिया है निसार सैटेलाइट, जो हमें आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से बताएगा, जिससे कि समय रहते हम उस आपदा से निपटने के लिए इंतजाम कर पाएं। वैसे आप अमेरिका और भारत की इस साझा उपलब्धि के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।